Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to study a little bit about the vowel sounds. Mainly we are going to discuss three vowel sounds. And I will tell you these three words. Can you find the difference in the pronunciation of these three words? The first word is June, the second one is sun, and the third word is full. If you observe, these three words carry three different vowel sounds. The first one is oo sound, the second one is a, and the third one is o. So let's see what is the difference between these three sounds. These sounds are represented by these symbols. This is a, this is oo, the long vowel, and this is a. The first sound, which is used in full, full. So, the place and manner of articulation. What is meant by place and manner of articulation? हमने देखना ये है कि ये हम जब ये आवाज निकालते हैं जो कि full में इस्तेमाल होती है, तो हम कहाँ से होंठों को और जबान को किस अंदाज में हिलाते हैं कि ये आवाज produce होती है. तो होंठ जो हैं वो थोड़े से rounded शक्ल में होते हैं, a little bit rounded, और जबान जो है वो पीछे से थोड़ी सी उठाई जाती है, ठीक है, और जॉज यानी के जबड़े थोड़े से खुले हुए होते हैं, तब फुल फुल की आवाज निकाली जाती है. इसके लिए डिफरेंट स्पेलिंग पैटर्न्स हैं. आपको मालूम होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में देर इज नो कंसिस्टेंसी बिटवीन स्पेलिंग्स एंड प्रोनंसिएशन. सेम स्पेलिंग होगी लेकिन उनकी प्रोनंसिएशन बहुत फर्क होगी. आपको एक मिसाल दूं, डोर डी डबल ओ आर एंड कूल सी डबल ओ एल, दोनों में डबल ओ आता है लेकिन दोनों की प्रोनंसिएशन फर्क है और फर्क वोवल साउंड दोनों में पाई जाती है, डोर एंड कूल. तो ये वोवल साउंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि फुल में आई, इसकी डबल ओ से भी प्रोनंसिएशन हो सकती है जैसे कि लुक, सिंगल यू से भी हो सकती है जैसे कि पुल, और इसके अलावा फुल हमने कहा था. सिंगल ओ से भी हो सकती है जैसे कि वुल्फ, वुल्फ. अगर आप देखें तो इन तीनों लफ्जों की प्रोनंसिएशन सेम है, लुक पुल एंड वुल्फ, लुक पुल एंड वुल्फ. द ओ यू से भी इसकी प्रोनंसिएशन हो सकती है जैसे कि वुड, वुड, लुक पुल वुल्फ एंड वुड. What are the commonly mispronounced words? बाज दफा हम इस वोवल साउंड को सही तरह प्रोनाउंस नहीं करते. कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें हम सही तरह प्रोनाउंस नहीं करते. मिसाल के तौर पर हम इसको आमतौर पर वूल पढ़ते हैं, विच इज रॉन्ग. दिस इज एक्चुअली वुल. इसको वुल, जिस तरह हम फुल को पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको वुल पढ़ना चाहिए. ब्रुक, शुगर, क्रिकेट, क्रिकेट. बहुत ज्यादा लॉन्ग वोवल साउंड इसमें नहीं आएगी. शुगर, क्रिकेट. शूट, हुड, शूट, हुड. द नेक्स्ट वोवल साउंड इज ऊ साउंड. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक आपको निशानी बता दूं कि जहां पर भी ये दो कोलन का साइन इसे कह लें या दो डॉट्स कह लें ये आएंगे, तो दिस इज अ सिंबल दैट दिस इज अ लॉन्ग वोवल साउंड. ये एक लंबी वोवल की आवाज है, लॉन्ग वोवल साउंड है. चाहे ये ऊ साउंड में आए, आ में आए या अर साउंड में आए, तीनों सूरतों में ये जहां पर भी ये दो डॉट्स आएंगे तो आपने पहचान लेना है कि ये एक लॉन्ग वोवल साउंड है. इसकी प्लेस एंड आर्टिकुलेशन कौन सी है? मैनर ये है कि हम होंठों को थोड़ा सा राउंडेड फॉर्म में रखते हैं और लिप्स थोड़े से आगे फॉरवर्ड किए हुए होते हैं. जॉ इज इन द अप पोजीशन और बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड, अ लिटिल बिट रेज्ड, तब ये साउंड सही तरह से प्रोड्यूस होती है. ऊ करके हम इसको प्रोनाउंस करते हैं. इसका स्पेलिंग पैटर्न क्या है? मुख्तलिफ स्पेलिंग्स इसके लिए इस्तेमाल होती हैं. इस तरह पहले मैंने आपको कहा कि सेम स्पेलिंग होगी लेकिन आवाज उनकी फर्क होगी. फॉर एग्जाम्पल पूल, अब इसको हम लंबा करेंगे, हम इसको बुक की तरह नहीं करेंगे. हालांकि बुक की स्पेलिंग भी बी डबल ओके है लेकिन उसको हम बुक पढ़ते हैं और इसको हम पूल पढ़ेंगे. सूप, ओ यू,
ठीक है, पिछले साउंड में हमने पढ़ा था कि वुड डब्ल्यू ओ यू एल डी है लेकिन उसको हम वुड पढ़ते हैं, यहाँ पर एस ओ यू पी है लेकिन इसको हम सूप पढ़ते हैं, लॉन्ग वॉवल करके पढ़ते हैं, पूल सूप रूड, खाली यू है लेकिन इसको हम लॉन्ग वॉवल पढ़ेंगे रूड, देन फ्लू फ्लू, ठीक है इसको भी हम लॉन्ग वॉवल फ्लू फ्लू, लूज ये भी हम इसको लॉस या लोज नहीं पढ़ना बल्कि इसको लूज पढ़ना है, दिस इज अ लॉन्ग वॉवल साउंड, शू ये भी लॉन्ग वॉवल है अगरचे ओ और ई आ रहा है स्पेलिंग में लेकिन इसको हम लॉन्ग वॉवल की तरह पढ़ते हैं, इट ऑल्सो कम्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ या साउंड एंड ऊ साउंड, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये जो स्मॉल जे है इट रिप्रेजेंट्स या साउंड जो कि यस में आती है, यंग में आती है, योर्स में आती है, इनके शुरू में आती है, तो बाज दफा ये इकट्ठे कॉम्बिनेशन में आते हैं जैसे फ्यू ट्यून यूज suitable suitable ये सब ऊ लॉन्ग ऊ वॉवल साउंड है. कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स कौन से हैं जो आमतौर पे हम गलत पढ़ते हैं, आमतौर पे इसको ग्रुप कह दिया जाता है जबकि ये ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप ट्रूथ ट्रूथ नहीं है, इट इज ट्रूथ ट्रूथ, क्रूअल क्रूअल, थ्रू ग्रू फ्लू, ये लॉन्ग वॉवल साउंड्स हैं, इनमें पूरी लेंथ के साथ पूरे राउंडेड लिप्स के साथ ये आवाज निकाली जाती है. एक दफा मैं रिपीट कर दूं कि इसको हम ग्रुप पढ़ते हैं जो कि गलत है, अक्सर लोग इसको सही प्रोनंसिएशन इसकी ग्रुप है, और इसी तरह ट्रूथ और क्रूअल, टूथ टूम टूम टूथ. नेक्स्ट है जी अ साउंड, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम बोथ द प्रीवियस साउंड्स, जो पहली दो साउंड्स हमने बताई वो दोनों मिलती जुलती हैं, ये थोड़ी सी फर्क है और इसमें प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन भी जाहिर है फर्क है, इसमें लिप्स और जॉ रिलैक्स पोजिशन में होते हैं और जबान पीछे से उठाई नहीं जाती, द टंग इज नॉट इन द रेज्ड पोजिशन, इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट. स्पेलिंग पैटर्न इसके भी मुख्तलिफ हैं, जिस तरह बहुत सारी मुख्तलिफ स्पेलिंग्स हैं जिनसे ये प्रोनाउंस की जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल बन डक बन एंड डक, इसी तरह कम एंड सन सन एंड कम, ब्लड एंड फ्लड ब्लड एंड फ्लड, इसी तरह ओ यू साउंड किसमें कपल ट्रबल यंग कपल ट्रबल यंग, ये आप देखें तो फोर साउंड पैटर्न्स हैं जो मुख्तलिफ हैं लेकिन इनमें एक जैसी साउंड आती है, बल्कि ये ओ ई जिसको आमतौर पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इस तरह से होगा लेकिन इसकी साउंड डज है, इसको कैसे पढ़ेंगे डज ओ ई डज, और यही ओ ई जब शू में आता है एस एच ओ ई तो हम उसको बिल्कुल फर्क तरह से प्रोनाउंस करते हैं. Commonly mispronounced words कौन से हैं, बहुत से लफ्ज हैं जो हम गलत पढ़ते हैं अगरचे उनमें ये वाला वोवल आना चाहिए लेकिन हम कोई और वोवल लगा देते हैं, जैसे लंडन समर कलर अंडर अबव, ठीक है इन सब में ओ साउंड, कहीं यहाँ पर यू आ रही है, समर में भी यू है, लंडन में वो है, कलर में अबव में, लेकिन हमें इसको अ साउंड के साथ पढ़ना है और कोई साउंड नहीं प्रोनाउंस करनी. अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, सर्कल द वर्ड विद द डिफरेंट वॉवल साउंड, कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं और उनमें एक वर्ड फर्क है और आपने सर्कल करना है कि इनमें से कौन सा वर्ड फर्क तरह प्रोनाउंस होता है, फॉर एग्जाम्पल फुट लुक एंड पुश, ये देखिए फुट लुक एंड पुश तीनों एक तरह पढ़े जा रहे हैं लेकिन ब्लड अगरचे इसमें डबल ओ आ रहा है लेकिन ये ब्लड पढ़ा जाता है, हम इसको ब्लूड नहीं पढ़ते, तो इसी तरह से इन सब को आपने मार्क करना है कि कौन सा फर्क वोवल साउंड है. मैं एक दफा आपके सामने पढ़ देती हूँ, सून बुक बूट रूम
मेरा ख्याल है आप प्रोनाउंस करने से समझ गए होंगे कि कौन सा वोवल, कौन सी फर्क वोवल साउंड किस वर्ड में आ रही है, और आप ये कमेंट्स में अपने लिखिएगा कि नंबर वन में कौन सा फर्क है, इसी तरह कमेंट्स में लिखिएगा नंबर टू में कौन सा फर्क है, थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन में। मैं एक दफा आपके सामने ये पढ़ देती हूँ ताकि आपको उनकी सही प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए। आपने सिर्फ ये पॉइंट आउट करना है कि कौन सा वर्ड फर्क है। सून, बुक, बूट, रूम, रूड, लक, रन, बट, शूज, डज, ट्रू, ब्लू, पुल, फुल, पुट, रूल। एक दफा फिर पढ़ देती हूँ। फोर्थ वाले में थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, पहचान सकते हैं आप कि कौन सा एक वर्ड फरक वोवल साउंड के साथ प्रोनाउंस किया जा रहा है। पुल, फुल, पुट, रूल, ग्रुप, कुड, वुड, शुड, ग्रुप, कुड, वुड, शुड, डन, मूव, लव, सन, साउथ, यंग, कपल, वन, साउथ, यंग, कपल, वन। इन वर्ड्स में से आपने ये पॉइंट आउट करना है कि कौन सा वर्ड डिफरेंट है, जो डिफरेंट वर्ड है वो, और साथ उसका नंबर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ये आपके लिए जल्दी से हम सॉल्व भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा क्विकली करेंगे ताकि आप खुद भी थोड़ी सी एफर्ट करें और खुद भी देखिए। Complete the sentences with words in the box the vowel sound is given. जी, तो पहला है कि two things you can put on a foot are a shoe and a boot. अगर आप ये गौर करें तो ये वाली जो सिंबल है इसकी आवाज है put वाली, ठीक है, और ये जो दो dots वाला U का सिंबल है इसकी long vowel वाली आवाज है boot, ठीक है। तो आपने इसमें से ढूंढना है कि यहाँ पर जो आपको वोकैबुलरी बैंक दिया हुआ है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी साउंड यहाँ पर लगती है। पहला है अ साउंड, द मंथ आफ्टर जून इज जुलाई, द मंथ आफ्टर जून इज जुलाई, तो ये मंथ में ये वाली साउंड आएगी उल्टे वी की तरह की, और ये यू के साथ आगे जो डॉट डॉट्स हैं ये जून लॉन्ग वोवल की साउंड है। माय मदर्स अदर ब्रदर इज माय अंकल, ब्रदर में ये वाली साउंड आएगी और अंकल में भी यही दोनों की एक ही तरह की प्रोनंसिएशन है। ब्राजील वन द वर्ल्ड कप इन 2002, दोनों में एक ही साउंड आएगी। फ्रूट जूस इज गुड फॉर यू, फ्रूट एंड जूस दोनों में ये लॉन्ग वोवल आता है और गुड में ये शॉर्ट वोवल आता है, वो भी जो लुक में आ रहा था या पुट में आ रहा था। देयर इज अ फुल मून वंस अ मंथ, अब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फुल एंड मून। फुल शॉर्ट फॉर्म है, मून लॉन्ग फॉर्म है। You pronounce would exactly the same way as would. So, the spelling is different. W-O-O-D, but W-O-U-L-D, they are pronounced the same way. I hope you would be able to understand these differences and next time you will pronounce these words correctly.